नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे मैदा के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैंने इन लड्डुओं को कई तरीके से बनाकर ट्राई किया। जिस तरीके से ये लड्डू ज़्यादा टेस्टी बने, वो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और ये लड्डू इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे कि आपके सारे परिवार को बहुत पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। प्याले में 1 कप मैदा ले लिया है। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। 1/2 कप घी लिया है। वनस्पति घी भी ले सकते हैं लड्डू बनाने के लिए, लेकिन देसी घी के लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और 1 टेबलस्पून दूध मिलाते हैं इन्हें। ये देखिए, काफ़ी गीला गीला हो गया है, बाइंड होने लगा है। तो हम सारी मैदा को इस तरीके से दबा देते हैं। अब इसे 1/2 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं। मैदा थोड़ी सी फूल जाएगी। इसके बाद आगे का प्रोसेस, 1/2 घंटे के बाद इसको हम थोड़ा हाथों से क्रश करते हैं। एकदम खोल लेते हैं। अब इसे छलनी में छानेंगे ताकि जो इसके दाने बने वो एक जैसे हो जाएं। इस प्रोसेस को करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये लड्डू मैदा से बने हैं। तो सारी मैदा को इसी तरीके से छान लेंगे। देखिए, सारी मैदा हमने तैयार कर ली और आप देख रहे हैं ये किस तरह की लग रही है। एकदम दानेदार मैदा बनकर तैयार हो गई है। अब इसे भूनेंगे। तो ये कढ़ाई ले ली और इसमें घी डाल दिया। वही 1/2 कप घी है। थोड़ा सा घी हम बचा ले रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो डाल देंगे। और ये मैदा डाल देंगे घी में। अब इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। ये मैदा थोड़ी सूखी सूखी दिख रही है, तो जो घी बचाया था उसे भी डाल देते हैं। इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो ये भून चुकी है। फ्लेम को थोड़ा धीमा ही रखेंगे और अब इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट डालते हैं। 1 टेबलस्पून बादाम कतरन, 1 टेबलस्पून पिस्ता कतरन और 1 टेबलस्पून चिरौंजी। अब ड्राई फ्रूट के साथ में मैदा को थोड़ा सा भून लेते हैं। फ्लेम धीमी ही रखेंगे। लड्डू में ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद के डाल सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो ज़्यादा ले सकते हैं, जो नहीं पसंद हो उसे हटा सकते हैं और थोड़े से ज़्यादा या थोड़े से कम अपनी पसंद से कर सकते हैं। और ये 1/4 कप डेसिकेटेड नारियल, इसकी जगह आप सूखे नारियल को भी ग्रेट करके ले सकते हैं। इसके साथ 1 मिनट और भून लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट भून जाते हैं तो ये ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। अब हम इन्हें धीमी फ्लेम पर ही भून रहे हैं। ये मिक्स अच्छी तरह से भूनकर तैयार है। इसे ठंडा करके बूरा मिलाएंगे और लड्डू बांध देंगे। बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे। लेकिन मैं इन लड्डू का और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ाना चाहती हूँ। इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप घर के दूध से निकली हुई ताजी मलाई। मलाई वैसे कोई खाता नहीं है, लेकिन ये लड्डुओं का टेस्ट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगर मलाई घर में है तो लड्डू में ज़रूर डालिए। और इस मलाई के साथ भी हम इसे थोड़ा सा 2 मिनट भूनेंगे ताकि जो मलाई के अंदर थोड़ा मॉइस्चर होता है, दूध होता है, वो सूख जाए। मैदा का थोड़ा कलर चेंज हो गया है, इससे अच्छी खुशबू आ रही है और आप देखेंगे इससे घी भी अलग हो रहा है। ये भुन चुके हैं और अब इसे निकालते हैं दूसरे प्याले में और ठंडा करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये थोड़ा ठंडा हो गया है। ये 3/4 कप बूरा, इसकी जगह आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून किशमिश और 5-6 इलायची को छीलकर दरदरा कूट लिया है। इलायची पाउडर की अपेक्षा आप इसे तुरंत ताज़ा छीलकर दरदरा कूट के डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। बूरा आप अपनी पसंद से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो लड्डू बनाने का मिक्स तैयार हो गया। लड्डू बांधते हैं। थोड़ा सा मिक्स ले लेंगे और दोनों हाथों से इस तरीके से दबाकर लड्डू बनाएंगे। और लड्डू आप अपनी पसंद से थोड़े से छोटे या बड़े जैसे चाहे बना सकते हैं। ये लड्डू तैयार हो गया। सारे लड्डू इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे।
मैदा के लड्डू बनकर तैयार हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। और ये लड्डू आपने बना लिए, इन्हें आप किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए, पूरे महीने भर तक खाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। इन्हें बनाते में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने जो दानेदार मैदा बनाई है उसे भूनते समय फ्लेम को लो मीडियम रखें। जब वो थोड़ी सी भून जाए तो फ्लेम को लो कर लें। ड्राई फ्रूट डालें, एक दो मिनट भूनें, इसके बाद मलाई डालें और दो मिनट भूनें। आपका मिक्स तैयार है। इस मिक्स को अलग प्याले में निकाल लें और थोड़ा सा ठंडा कर लें, उतना जितना कि आप आराम से उसे छू सकते हैं। एकदम गरम गरम मिक्स में बूरा नहीं मिलाना है। जब वो ठंडा हो गया मिक्स, तब उसमें बूरा मिलाएं और लड्डू बांध दें। बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर तैयार होंगे। और ये लड्डू आप फ्रिज से बाहर ही रखकर 15-20 दिन तक खा सकते हैं। तो आप ये लड्डू ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।